जय साथियों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। गाइस बात करने वाले हैं आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ड्राइवर के बारे में। बहुत सारा डाउट था बैठता कि सर हमारी फाइनल लिस्ट आखिर क्या जाने वाली है, सर हमारी फाइनल ज्वाइनिंग आखिर कब तक होने वाली है, सर हमारी इसमें पोस्ट इंक्रीज हुई या फिर नहीं हुई है। ठीक है, बहुत सारे डाउट थे। तो गाइस फाइनली भाई आपके लिए मैं वीडियो लेके दोस्तों आ चुका हूँ। आपको भाई वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप दोस्तों बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप गाइस वीडियो को स्किप करते हो आपसे इंपॉर्टेंट जानकारी मिस हो सकती है। तो गाइस वीडियो को प्लीज दोस्तों पूरा देखिएगा। ठीक है, अब गाइस बात करते सबसे पहले आईटीबी भाई गाइस अपनी टोटल पोस्ट के बारे में। यहाँ पे भाई टोटल पोस्ट आपकी कितनी थी पहले आईटीबीपी। ठीक है, आपकी भाई पहले हमें पोस्ट थी गाइस 134, मतलब 134 आपकी टोटल पोस्ट थी यहाँ पे। लेकिन गाइस कई अभ्यर्थियों ने यहाँ पे एक आरटीआई लगाई थी। गाइस वहाँ पे आरटीआई में साफ साफ मेंशन कर रखा है आपकी जो गाइस पोस्ट है 374 कर दी गई। गाइस कितनी कर दी गई है 374। लेकिन दोस्तों ये नोटिस गाइस आईटीबी गाइस कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। क्या सुना गाइस आपने भाई, आपकी वैकेंसीज बढ़ने का कोई नोटिस आपकी आईटीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं आया है। तो गाइस पूरा कंफर्म अब तक नहीं हुआ है कि आपकी पोस्ट बढ़ी या फिर नहीं बढ़ी है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे आपकी भाई फाइनल ज्वाइनिंग के बारे में, आखिर वो कब तक होने वाली है। ठीक है, बहुत सारा डाउट था बैठक ये भी कि आखिर हमारे सर फाइनल ज्वाइनिंग आखिर कब तक हो जाएगी इसमें। तो गाइस अगर हम बात करें आपकी फाइनल ज्वाइनिंग के बारे में दोस्तों, अगस्त सितंबर तक दोस्तों आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों ये भाई कोई मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूँ गाइस, ये 110% आपको मैं बिल्कुल होश आवाज में बोल रहा हूँ। आपकी गाइस जो ज्वाइनिंग है अगस्त सितंबर के महीने तक फाइनल ज्वाइनिंग आपकी सबकी हो जाएगी। आप भाई आईटीपी की यूनिफॉर्म आप दोस्तों पहन लोगे अगस्त सितंबर तक। ठीक है, आगे दोस्तों हम बात करते हैं कट ऑफ लिस्ट के बारे में। ये भी बहुत सारा डाउट था कि सर हमारी कट ऑफ लिस्ट आखिर क्या जाने वाली है। गाइस अगर आप दोस्तों मान के चलो 1% आपकी दोस्तों वैकेंसीज यहाँ पे बढ़ जाती है 374, अगर आपकी आपकी भाई यहाँ पे पोस्ट हो जाती है 374, तो गाइस अभी जो कट ऑफ लिस्ट है भाई वो क्या जाने वाली है। गाइस जो भी जनरल वाले हैं आपका भाई सिलेक्शन जो है 55+ से आपका सिलेक्शन गाइस हो सकता है अगर आपकी पोस्ट 374 हो जाती है। और जो भी ओबीसी वाले हैं आपकी जो गाइस कट ऑफ है यहाँ पे 50+ पे रहेगी। और जो भी एससी वाले हैं आपकी जो गाइस कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे 45 पर रहने वाली है। अगर आपकी भाई पोस्ट यहाँ पे 374 हो जाती है तब भी ये कट ऑफ रहेगी, अदरवाइज गाइस कट ऑफ आपकी बढ़ भी सकती है। ठीक है, आगे दोस्तों हम बात करते हैं आपके, अगर गाइस आप मान के चलो आपकी पोस्ट इंक्रीज नहीं होती है यार। ठीक है भाई, देखो अब तक साइट पे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, ओनली आरटीआई के थ्रू हमें मालूम पड़ा कि आपकी पोस्ट बढ़ गई है। अगर गाइस हम मान के चलो 1% कि आपकी पोस्ट नहीं बढ़ी है यहाँ पे, आपकी पोस्ट भाई 134 ही पोस्ट है आपकी, आप ये मान के चलो। अगर गाइस बात करें हम जनरल में, अगर आपकी गाइस पोस्ट नहीं बढ़ती है तो गाइस 60 से बेस्ट आपकी कट ऑफ लिस्ट जाने वाली है जनरल में। अगर हम बात करें गाइस ओबीसी में 58 से 60 गाइस कट ऑफ लिस्ट जाने वाली ओबीसी में। अगर हम बात करें दोस्तों एससी में 55 से 58 आपकी दोस्तों कट ऑफ लिस्ट यहां पे जाने वाली है। अगर हम बात करें आगे एसटी में, बहुत सारे बैठे एसटी के भी होते हैं, आपकी गाइस जो कट ऑफ लिस्ट है यहां पे 53 से 55 जाने वाली है। अगर गाइस 52 भी जा सकती है एसटी कास्ट वालों की। ठीक है, ये गाइस आपकी कट ऑफ लिस्ट जाने वाली है भाई आपकी बार। अगर आपकी वैकेंसीज नहीं बढ़नी है, मतलब नहीं बढ़ती है, तो अगर आपकी वैकेंसीज बढ़ जाती है तो 55+ वालों का सिलेक्शन हो सकता है जनरल में। तो गाइस ये भाई आपकी कट ऑफ लिस्ट थी। आपका भाई जो फाइनल सिलेक्शन वो कब तक हो जाएगा मैंने आपको बता दिया है। भाई आपकी जो ज्वाइनिंग है अगस्त सितंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये गाइस आपकी कट ऑफ लिस्ट है भाई। और एक डाउट और था आप कि सर हमारे यहाँ पे स्किल टेस्ट के मार्क्स जोड़े जाएंगे फिर सर नहीं जोड़े जाएंगे। देखिए गाइस आपका जो भाई यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है, बहुत सारा डाउट था बैठकों का कि सर हमारे स्किल टेस्ट के नंबर जोड़ेंगे फिर नहीं जोड़ेंगे। गाइस फाइनल सिलेक्शन आपका गाइस वो होने वाला है भाई ओनली एग्जाम के आधार पे। गाइस क्या सुना आपने, आपका भाई जो सिलेक्शन होने वाला है फाइनल सिलेक्शन वो होने वाला है दोस्तों के ओनली एग्जाम पेपर के आधार पे। आपके भाई पेपर में कितने मार्क्स हैं उसके आधार पे गाइस आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो गाइस मैं उम्मीद करूँ भाई आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो भाई क्या करोगे गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका भाई कुछ भी डाउट हो वीडियो नीचे गाइस फटाफट कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। आपका भाई पेपर में कितना स्कोर बनाया गाइस सब लोग प्लीज दोस्तों वीडियो नीचे कमेंट करके बताइए कि सर मेरे इतने मार्क्स है, सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता। गाइस मैं आपको पूरी जानकारी कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों।